गर्मी की शुरुआत बुंदेलखंड के बांदा में एक बड़ी मुसीबत लेकर आई है। जल संकट तो मानो बुंदेलखंड का मुकद्दर ही बन गया है। लोग जल संकट से पूरी तरह से प्रभावित हैं, तो वहीं अब बिजली संकट ने भी लोगों को परेशान कर रखा है। सूबे की योगी सरकार ने मंडल मुख्यालय को बिजली कटौती से मुक्त रखा है, लेकिन विद्युत विभाग को सीएम के आदेश की भी परवाह नहीं है। बांदा में जल संस्थान की लापरवाही से व्याप्त जल संकट और बिजली की आंख मिचौली से परेशान लोगों ने देर रात जमकर हंगामा किया। डीआईजी और एसपी आवास से बमुश्किल 50 मीटर के फासले पर स्थित महाराणा प्रताप चौराहे पर रात सैकड़ों की तादाद में लोगों ने जमकर नारेबाजी की और तकरीबन 2 घंटे तक चौराहे को पूरी तरह जाम कर दिया। अपने आदमी क्या बना ले रहा है। हमारे यहाँ आवास विकास में ए ब्लॉक में 3 दिन से लाइट की समस्या व साथ साथ बिजली की समस्या बराबर से चल रही है। ना आदमी को पानी मिल पा रहा है, ना आदमी को लाइट मिल पा रही है। आदमी अपना गुजर बसर कैसे करे। आज मजबूरन बस आदमी जनमानस को अपना काम छोड़ के यहाँ कोई दूसरा कोई आदमी नहीं है। एक अधिकारी भी है, दुकानदार भी है, नॉर्मल आदमी भी है, आम आदमी भी है। अब पूरा आज मजबूरन मस वो आज इस फोन आज मजबूरी हुई उनकी आने में, इस कारण मजबूरी हुई क्योंकि सबसे ज्यादा समस्या है। दूसरा समस्या कब से है? 3 दिन हो गए। तो पानी क्या बता रहे हैं? पानी के सर हमारी पानी में सीवर जुड़ के आता है, उसको ना हम नहा सकते हैं ना पी सकते हैं। महकता बहुत बुरा, बहुत गंदा पानी आ रहा है, बहुत गंदा पानी आ रहा है, सीवर मिक्स आ रहा है। अब सर बताइए, हम लोग आम आदमी है, शिकायत करते हैं, हमारी सुनी नहीं जाती है। सुन रहा कितने कहा आपने? हमने जेई साहब को फोन किया, यहाँ फोन किया, जल संस्थान में कोई नहीं सुनता है। ये है बांदा के वीवीआईपी मोहल्ले हैं, आवास विकास वगैरह, तो यहीं पे लाइट नहीं आ रही। बगल से आपकी चौकी है, अस्पताल है, हर जगह है, पूरे आला अधिकारी बांदा के रहते हैं और यहाँ की जनता बेचैन है, लाइट ही नहीं आ रही है। कल यही समस्या थी, कल पूरी रात नहीं आई, पूरा दिन हो गया, आज फिर यही समस्या है कि लाइट। दिन से परेशानी है ये आपकी? पिछले 2 दिन से यही समस्या है।